With you. Yes, are we loving? Yes, very good. Hi everyone, how are you? कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आई होप कि आपके बोर्ड एग्जाम जिनके शुरू हो गए हैं हिंदी का पेपर जिन्होंने दे दिया है उनके बहुत अच्छे चल रहे होंगे एंड इंग्लिश का पेपर आने वाला है आपका तो आप उसकी तैयारियों में लगे होंगे एंड बायो की भी आप रिवीजन कर रहे होंगे मेरे साथ के साथ में और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है हमारे सिलेबस में भी बहुत कम चैप्टर रहते हैं और हमारा कंप्लीट बायो कंप्लीट हो जाएगा तो so बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जिसके अंदर से बेटा सवाल आपके आ रहे होंगे सो so, uh, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी और आपके नीट के पेपर में भी सवाल आएंगे जस्ट गिव मी अ सेकंड ओके जस्ट गिव मी सेकंड ओके okay. सो so, हम बेटा हम सॉल्व कर रहे होंगे यू नो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे मेरा नाम है एकता सोनी आप मुझे पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं। तो वेरी वेरी वॉम वेलकम टू तो दिस यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में बेटा हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के उससे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन के साथ साथ में इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया है मैं साथ में आपको ये और बता दू कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको नीट ट्रेजर बॉक्स दिखेगा उसके अंदर एक्चुअली क्या ना कि आपके क्लास ट्वेल्थ बोर्ड के रिगार्डिंग जो नोट्स आपको चाहिए वो अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नीट से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए जो भी स्टडी मटीरियल चाहिए होते हैं आपको आपको पी वाई क्यू के सोल्यूशन चाहिए होते हैं। आपको मॉक पेपर्स चाहिए होते हैं है ना तो आपको वहां पर प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है ट्रेजर बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे सब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों के चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे उनके ऊपर मिल मिल जाएंगे जाएंगे सैंपल पेपर्स तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है ये ठीक है तो ये आप चेक कर सकते हैं नीचे लिंक्स आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट से जाओ एंड जल्दी जल्दी से करो इसको चेक ठीक है एंड आज की कक्षा के अंदर बेटा मैं एक आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देने वाली हूँ इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देखते हुए कितने बच्चे कर सकते हैं दे दे देख क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ़ ऑफ़ दे दे डे अभी कर, कर yes, हैं, हैं राइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है बेटा और यहाँ पर ये जो आपको लिंक दिखाई दे रही है क्विज लिंक ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ क्विज लिंक जो दिखाई दे रही है इस पे क्लिक करते हैं फटाफट जल्दी से यस yes.

यहां पर का uh, ऑप्शन you know, uh, मिलेगा प्लीज एक बार साइन अप करके फटाफट से आप इस क्विज में एंटर करेंगे Let's see कि कौन सा बच्चा है जो इस quiz को कर कर पाता है बेटा मैं पर quiz start कर दे रही question आपके सामने भी दिखेगा yes, mode of DNA replication e. ये तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया लेकिन आप करेंगे करेंगे बेटा ये हमने ऑलरेडी कर लिया है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर बेटा मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसा होता है yes,

चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं अपना है ना अभी काफी बच्चों ने सही आंसर दे दिया है तो मतलब तुम्हारा ये तो मुझे पता चल रहा है है कि भाई रिवीजन 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 तो 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 तुम तुम कर कर रहे रहे हो हो राइट तो रिवीजन में तो तुमने कहीं कमी नहीं छोड़ रखी वेरी नाइस बहुत बढ़िया ऐसे में आपको आपसे ना रोज एक दो एक दो क्वेश्चन करवाती रहूंगी ताकि ता आप पिछले जो चैप्टर हमने कर रखे आप भूलो नहीं ठीक है जी तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपने काफी अच्छे से उसको किया है हम एक बार वापस से करेंगे जो बच्चे नए आएंगे ना उनको और एक बार क्वेश्चन ऑफ द डे करवाएंगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सारे बच्चों के अंदर हम बता पाए कि भाई क्वेश्चन जो है ये कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करना और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज करना ठीक है ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर पढ़ा दूसरे चैप्टर में बस हो गया पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था हम भूल गए सब ऐसा नहीं होता है ठीक है जेई की, की प्रिपरेशन करना जेई की तो खैर आप नहीं कर रहे होंगे बायो के स्टूडेंट्स हैं बायो पढ़ने आए हैं नीट की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं ड्रॉप लेकर तो बिल्कुल आप विदांतों के जो ऑफलाइन पर विजिट कर सकते हैं आपके नियर बाई सिटीज़ में तो आपको सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी परसेंट तक की स्कॉलरशिप यहाँ पर अलॉट करेंगी

हाँ जी कौन कौन है जो राजस्थान से बिलोंग करता है ठीक है तो बताएंगे मुझे और सारा देख सकते हैं आप, पर, पर तो तो है आज का चैप्टर देखो सीबीएसई ने ना काफी ज्यादा सिलेबस में चेंजेस करे हैं आपको पता है नई एनसीईआरटी भी बताई है आपको और उसमें काफी सारे टॉपिक्स जो है कटे हुए हैं राइट टॉपिक जो है हमने रिमूव कर दिए हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सबसे पहले

सिर्फ पॉपुलेशन आपको एट्रीब्यूट पूछा जाएगा इन पॉपुलेशन इंटरेक्शन सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं जो आपके इस बड़े चैप्टर में छोड़े हैं सीबीएसई ने ठीक है तो बहुत अच्छा काम किया आपके लिए तो आप

कितने ह्यूमन राइट right? तो वो हो गई हमारी पॉपुलेशन तो एक ग्रुप ऑफ यू नो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग उसका हम एनालिसिस uh, करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ठीक है population. एक वेल डिफाइन वेल यू नो एरिया के अंदर उस एरिया के अंदर वो इंसान जो है वो कितना एरिया uh, वो शेयर कर रहे हैं कौन कौन से रिसोर्सेज सिमिलर रिसोर्सेज को वो कंज्यूम कर रहे हैं राइट right? तो so, और साथ में इंटरब्रीडिंग उसमें है की नहीं। ऐसा नहीं कि हम ह्यूमन बींगस के साथ की पॉपुलेशन में, किसी भी, you know, हम गायों को भी गिन रहे हैं ह्यूमन बींग्स के साथ में, के साथ में हम बंदर को भी गिन रहे हैं कैट को भी गिन रहे हैं ऐसा नहीं होता है सिर्फ एक स्पीसी जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है समझ गए पॉपुलेशन का सीधा सीधा सिंपल मतलब होता है

राइट right? वो उनकी रेट को हम डिफाइन कर रहे होंगे पे में।, हमेशा हमेशा में, में, में आप नहीं बता सकते कि उसकी बर्थ रेट क्या है उसका डेथ रेट क्या है कि आज पूछूं कि भाई, अगले आने वाले एक घंटे में या पिछले आधे घंटे में कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोग नए पैदा हो गए अगर मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करू तो उस घंटे में, उस के बर्थ डेथ उसको बोलते रेट। तो रेट हैं तो उस है, हम रेट को डिसाइड करना राइट तो ये चीज हम सिर्फ पॉपुलेशन में हम ग्रुप में कर सकते हैं हम अकेले बंदे के लिए नहीं कर सकते ये तो नहीं बोल सकते कि भाई पिछले आधे घंटे में मैं कितनी बार बर्थ लिया हूँ मैं तो एक ही बार बर्थ ले सकती हूँ एक ही बार मर सकती हूँ ना तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहां पर पर भाई मैं 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 अलग अलग टाइम यू नो बर्थ भी भी बहुत बहुत बार बार ले रही हूं, मैं, मर भी बहुत बार रही मर ऐसा नहीं होता है राइट तो रेट कभी भी इंडिविजुअल इंसान में नहीं डिसाइड होती है रेट हमेशा और हमेशा एक ग्रुप में डिसाइड होती है पॉपुलेशन में डिसाइड होती है तो पहला तो ये हो गया कि बर्थ रेट डेथ रेट हमेशा पॉपुलेशन में डिसाइड होगी नंबर टू चीज होती है सेक्स रेशियो देखिए एक इंडिविजुअल इंसान का आप सेक्स पहचान सकते हैं कि वो उसका जेंडर क्या है मेल है फीमेल है कौन है लेकिन जो सेक्स रेशियो होता है रेशियो हमेशा काउंट होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर तो एक अनदर एट्रीब्यूट यहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे जैसे कि हम देखते हैं कि भाई ये कंप्लीट पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन में जैसे कि सपोज राजस्थान की मैं बात करूँ राजस्थान में फीमेल कितनी है और मेल कितने हैं क्या मेल और फीमेल इक्वल है क्या मेल ज्यादा है फीमेल कम है या फीमेल ज्यादा है मेल कम है वो रेशियो देखते हैं अपन ये रेशियो जो होता है एक ग्रुप में आता है एक अकेले बंदे में थोड़े ना रेशियो निकाल दोगे तो सेक्स रेशियो को हम पढ़ रहे होंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में नंबर टू आप पढ़ रहे होंगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है ठीक है इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे एंड इसके बाद में बेटा एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आपके पर यू नो ग्राफ कुछ दिए हुए हैं इसके अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ग्राफ दिए हुए हैं जिसको हम एज पिरामिड बोलते हैं राइट right? ये एज पिरामिड को भी हम देख रहे होंगे कि भाई हमारा जो एज पिरामिड में बेसिकली क्या है पिरामिड बनाया हुआ है पिरामिड के अंदर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों का कि भाई ऐसे लोग जो बहुत छोटे हैं वो कितने हैं ज्यादा है कम है राइट फिर ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो अडल्ट बच्चे हैं अडल्ट लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में चल रहे हैं और ऐसे लोग जो बहुत बूढ़े हो गए हैं वो कितने हैं इनका नंबर देखते हुए एक पिरामिड सेट करते हैं है, है ना उसको दिखाऊंगी मैं कैसे पिरामिड आपको बता रखा है इन पिरामिड का साइज जो होता है इन पिरामिड का यू you नो know, शेप जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है वो हो सकता है ऐसे बढ़ता हुआ शेप हो या हो सकता है बेटा वो घटता हुआ शेप हो इस तरीके का शेप हो तो वो शेप अलग अलग हो सकता है ग्रोइंग भी हो सकता है डिक्लाइनिंग भी हो सकता है वो स्टेबल भी हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि यू you नो know, uh, 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 जो uh, बंदे हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में चल रहे हैं और जो बंदे हैं बहुत छोटे छोटे हैं तो उनका हो सकता है और ये बच्चे कम हो छोटे बूढ़े हो, हो लोग हो, तो वो कुछ भी हो तो पिरामिड उसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो तीन तरीके के पिरामिड आपको बताए जाएंगे एक होगा ग्रोइंग एक होगा स्टेबल एक होगा डिक्लाइनिंग ठीक है इसके बारे में जो साइज होता है इज मोर टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी तो ये सवाल ये जो वर्ड है आपके पास आपके पास बहुत बार रिपीट होगा व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का साइज कितना बड़ा है कितनी बड़ी पॉपुलेशन है राइट उसके ऊपर डिपेंड करता है मेथड क्या होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजरमेंट करने के, के लिए भाई कि हमें कैसे पता चलेगा कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है तो उसको मेथड के लिए हम <clears throat> बहुत सारे मेथड्स अपना सकते हैं दस कि लोग अच्छा बारह लोग अच्छा पंद्रह लोग, अच्छा, लोग है ऐसे गिनने लगू लोगों को राइट एक होता है कि भाई परसेंट कवर देख लू मैं कि भाई इतना हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया है इस ज्योग्राफिकल एरिया में दस परसेंट जो हमारा एरिया है वो इन लोगों ने घेर रखा है

कुछ ऐसे है दूसरे वो टाइप के कैटेगरी के लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब वो करने के है। और राइट तो इन तीन तरीके के पिरामिड्स हम देख रहे होते हैं देखिए हमने बताया कि ये पिरामिड्स तीन तरीके के हो सकते हैं पहला हो सकता है कि आपके पास एक्सपैंडिंग पिरामिड हो सकता है आपके पास स्टेबल पिरामिड हो सकता है आपके पास डिक्लाइनिंग पिरामिड हो

पोस्ट रिप्रोडक्टिव से नहीं मेजरमेंट कर रहे हो रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव से ही मेजरमेंट कर रहे हो प्री रिप्रोडक्टिव कम है पोस्ट यू नो सॉरी रिप्रोडक्टिव कम है प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो नीचे वाला ज्यादा है तो ये एक्सपैंड करेगा ठीक है

डिक्लाइनिंग ठीक है तो ये हमारे पास से पहला पॉपुलेशन एट्रीब्यूट यहाँ पर आ जाता है अगर मैं पॉपुलेशन की बात ही कर रही हूँ तो मैं पॉपुलेशन पे और थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन कि पॉपुलेशन ग्रो कैसे करती है और खत्म कैसे होती है है मतलब उसका नंबर कम कब होता है? ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो जो साइज होता है पॉपुलेशन का जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोल रहे हैं ये डिपेंड करता है कि भाई कितना होगा कितने लोग जिएंगे कितने लोग मरेंगे देखो हमारे आसपास में इतने बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी खाना दो टाइम का नहीं मिलता है

ऐसा हो सकता है कि भाई लोग नए पैदा हों उसके अंदर तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा अब मरना और पैदा होना ही पॉपुलेशन का साइज नहीं डिफाइन करता है ऐसा नहीं कि मैं अगर चाहती हूं कि कि पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो तो उसके लिए मैं 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 लोगों को ये ये कोई जरूरी नहीं है मैं ये भी कर सकती हूं कि मैं उन लोगों को अपनी पॉपुलेशन से हटा के कहीं और किसी और ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ले जाके शिफ्ट कर सकती हूँ कि मान लो मैं इंडिया की पॉपुलेशन निकाल रही हूँ इंडिया की पॉपुलेशन मान लेते हैं कि एक करोड़ है एक करोड़ जनता है ठीक है

दूसरी कंट्री में भेज दूंगी, तो मेरे जो ग्राफिकल एरिया में तो हो गई ना पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो गया ना वहाँ पे बढ़ सकता है क्योंकि वहाँ तो वो एंटर हो रहे हैं तो उस वाली कंट्री का साइज बढ़ जाएगा मेरी वाली कंट्री का साइज कम हो जाएगा पॉपुलेशन का ठीक है तो मेरी वाली कंट्री से लोग माइग्रेट कर गए हैं तो माइग्रेशन

कि मैं लोगों को जन्म मतलब उनका बर्थ हो जाए तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी एक हो, हो गया कि भाई कोई दूसरी कंट्री से लोग हमारे कंट्री में आ जाए तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो नेटेलिटी जिसको हम बोलते हैं कि जन्म से पॉपुलेशन बढ़ गई नेटेलिटी अगर कोई और हमारी कंट्री में आ गया माइग्रेट करके आ गया तो इम इससे पॉपुलेशन बढ़ गई मान लो मैं अपनी पॉपुलेशन घटाना चाहती हूँ तो हो सकता है एक उपाय तो कि मैं मार दू सारे लोगों को तो मोर्टेलिटी हो जाएगा उनकी जो डेथ रेट है वो क्या है मोर्टेलिटी हो जाएगा उससे मैं डिक्रीज कर सकती हूँ दूसरा ई e माइग्रेशन कर सकती हूँ उनको उठा के किसी और कंट्री में डाल सकती हूँ ताकि मेरी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाए तो ई e माइग्रेशन कर सकती हूँ दैट्स ऑल ठीक है तो पॉपुलेशन का साइज जो होता है वो डिपेंड करता है इन चार बेसिक प्रोसेस के ऊपर

ये हम रेट देख रहे होंगे और िटी ठीक है मोर्टेलिटी में नंबर ऑफ डेथ देखते हैं नेटिलिटी में नंबर ऑफ बर्थ देखते हैं इमाइग्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस यू नो स्पीसीज के अंदर अगर नए ऐड होते हैं दूसरी जगह से आते हैं और नए ऐड होते हैं अपने को यू you नो know, अपने हैबिटेट में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं उस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको बोलते हैं इमग्रेशन ई माइग्रेशन मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर मेरे हैबिटेट को छोड़कर जाते मेरी पॉपुलेशन को छोड़कर जाते किसी और जगह पर किसी और हैबिटेट के अंदर

तो और यहाँ पर मैं t नाम दिया और डेंसिटी जो है टी प्लस वन के ऊपर देखूं कि भाई उस टाइम के ऊपर और उस टाइम के बाद में डेंसिटी क्या रही मेरे पास में उस हिसाब से अगर मैं एक इक्वेशन निकालना चाहती हूँ तो बेटा मेरे पास एक इक्वेशन आती है कि मैंने देखा कि n पॉपुलेशन जो थी वो मेरे पास पहले थी राइट अब t टाइम के ऊपर टी प्लस वन टाइम के ऊपर मैं देखती हूँ कि मेरे पास कितनी पॉपुलेशन रह गई उस पॉपुलेशन के अंदर मेरे पास जो पहले से पॉपुलेशन थी उसको तो मैं काउंट करूंगी ही उसके अंदर बर्थ हुआ है या इमिग्रेशन हुआ है ये क्या होंगे पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे डेथ हुई है या इमिग्रेशन हुआ है पॉपुलेशन को घटाएंगे तो अगर मैं ये चीज करके देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी नेट क्या पॉपुलेशन रह रही है यहाँ पर राइट यही तो पता चलेगा ऐसे पता चलता है तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि टी प्लस वन टाइम पर, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में देखूं अपनी तो इमिग्रेट हो गए हैं या कितने लोग चले गए हैं या डेथ हो गई है इमिग्रेशन हो गया है क्या हो गया है उस हिसाब से मैं अपना पॉपुलेशन डिसाइड कर लूं एन टी प्लस वन इज इक्वल टू मेरे साथ साथ बोलेंगे

देखिए ये आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है इस पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करने के दो फंडे हैं पहला फंडा ई इमिग्रेशन मतलब कोई लोग आ जाए मेरी पॉपुलेशन में कहीं और से दूसरा नेटेलिटी हो जाए बर्थ हो जाए है ना घटाना चाहूँ पॉपुलेशन को तो मोर्टिलिटी हो सकती है और ई e, हो सकता है घटाना चाहूँ तो राइट तो ये दो तरीके मेरे पास हो सकते हैं अब आती है बेटा आपके पास में ए, 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 इसी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के अंदर कि

ठीक है तो ग्रोथ जो होती है यहाँ पर कहीं पर भी रुकाव ठहराव नहीं आ रहा है बस बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है कहीं पर भी ठहराव नहीं आ रहा है और ठहराव आना भी बहुत जरूरी है ग्रोथ जो होता है यहाँ पर बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं होता है ना अनरियलिस्टिक ग्रोथ है ऐसी ग्रोथ तो कभी होती नहीं है कि मैं सबको ऐसे खाना देती जाऊँ और सब बढ़ते जाए बढ़ते जाए कभी भी कम ना हो ऐसा नहीं होता है सोच के देखो कि आज से पहले जितने लोग आए हैं हमारे दादा दादी नाना नानी है ना जो जिनका स्वर्गवास हो गया जो मर गए हैं उनके मर जाने की वज... मर जाने के बाद में कितने लोगों ने और जन्म भी तो लिया है ना तो वो पॉपुलेशन का पूरा कंट्रोल चल रहा है अनलिमिटेड रिसोर्स देते मरता ही नहीं तो बिल्कुल तो तो भी बढ़ता रहता लेकिन ये ग्रोथ अनरियलिस्टिक होती है और अगर वो बढ़ता रहता पिछले जो बच्चे और पैदा होते फिर हमारे पास में ऐसी आ कि भाई, इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती कि बाद में

साठ मिनट बाद यानी एक घंटे बाद मैं देखूँ कि मेरे पास पॉपुलेशन कितनी हो गई समझ रहे हो यहाँ मेरे पास कितनी पॉपुलेशन थी यहाँ मेरे पास कितनी पॉपुलेशन है मैंने इस ड्यूरेशन के अंदर अनलिमिटेड सोर्सेस दिए हैं अनलिमिटेड रिसोर्स दिए हैं अनलिमिटेड रिसोर्स की वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है लेकिन वो कितना हुआ है वो मुझे जानना है तो जानने के लिए यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन लगती है एन टी इज की पावर आर यहाँ पर आपको लॉग वॉग आना चाहिए राइट right? लॉग में आपको पता होना चाहिए कि जो ई e होता है the base of natural logarithm, आपको सबको पता है पढ़ते हो, आपको बेसिक मैथ्स होती है टू पॉइंट सेवन वैल्यू होती है इसकी टू पॉइंट सेवन वन एट राइट ई की वैल्यू है ना आर जो होता है इंट्रेंसिंग रेट होती है नेचुरल इंक्रीज की कि भाई किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है किस रेट से हर 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 इंसान के लिए उसके अंदर फिर जीरो टाइम पे कितनी पॉपुलेशन थी और टी टाइम के बाद कितनी पॉपुलेशन हो गई निकल जाएगा नंबर तो आपसे कोई पूछे साठ मिनट बाद कितनी पॉपुलेशन आई तो आप बोलो कि भाई उस साठ मिनट से पहले कितनी पॉपुलेशन थी और इनकी वैल्यू तो हमें पता ही रहेगी राइट तो ये आपके पास में इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो हालांकि ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछते है नहीं तो आप पूछते है बस आपसे इक्वेशन पूछते हैं ठीक है तो आपके पास में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आया जब आपके पास में आपके पास में रिसोर्सेस जो थे वो इतने सारे थे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी तो आपके पास में ये कर्व आया जे शेप कर्व Got it? J curve आपके पास में आ चुका है और J curve को अगर बेटा आप तो e e तो, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इनका डिफरेंसिएशन करना पड़ेगा तो अगर मैं डिफरेंसिएशन करूँ इस साइड में बेटा है ना के विथ रिस्पेक्ट टू तो डी एन बाई डी टी हो जाएगा और उसका के विथ रिस्पेक्ट टू करूंगी तो आर एन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास में डी एन बाई डी टी इज इक्वल आएगा डिफ्रेंसिएशन करने के ऊपर और ये इक्वेशन आती है जब एक्सपोनशियल ग्रोथ होती है यानी कि जे शेप कर मेरे पास में आता है ठीक है उसके बाद में बेटा हमारे पास में एक दूसरे टाइप का और होता है दैट इज द लॉजिस्टिक कर्व लॉजिस्टिक ग्रोथ जब होती है दैट मींस कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है मतलब शुरुआत में तो देखो रिसोर्सेज लिमिटेड होने का मतलब है कि जैसे हमारे पास एक रियलिस्टिक चीज है एक्चुअली में ये कर्व रियलिस्टिक है हमारे पास यही होता है हमारे साथ में कि शुरुआत में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है धीरे-धीरे धीरे-धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर भाई हमारे पास रिसोर्सेज की लिमिट होने लग जाएगी कि अब इससे ज्यादा अगर करेंगे तो फिर बस काम तमाम है तो वो वाला टाइम आता है वो पॉइंट आता है उस पॉइंट के बाद में बस पॉपुलेशन नहीं बढ़ती और स्टेबल हो जाती है ठीक है तो धीरे धीरे पॉपुलेशन शुरुआत में बढ़ रही होती है, होती है उसके बाद में एक ऐसी कैरिंग कैपेसिटी आती है के को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी कि भाई कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या उसकी कैपेसिटी है उस, उस मैक्सिमम कैपेसिटी तक अगर तुम रीच कर गए हो ठीक है तो वो

वहाँ पर कोई कैरिंग कैपेसिटी के काउंट नहीं करते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है वहाँ पर तो हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब हम कैरिंग कैपेसिटी के को लाते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई हमारी असली में कैपेसिटी कितनी है हम कितने पानी में हम और इससे ऊपर उड़ सकते भी हैं या नहीं उड़ सकते हैं तो ये सवाल आता है dn/dt rn एंड यू नो ब्रैकेट पे k n k ये फार्मूला आपको याद कर लेना एज इट इज और वो फार्मूला भी आपको याद कर लेना वो जे शेप कर्व होता है और ये सिग्मोइड कर्व है तो असली हमारा जो रियलिस्टिक कर्व होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का दैट इज अ सिग्मोइड कर्व एंड दैट इज द लॉजिस्टिक कर्व ओके इसलिए लॉजिस्टिक अ लॉजिक है भाई इसकी बात में कोई ऐसा मैं ऐसा करके याद करती हूं ठीक है तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के अंदर बेटा हमारे पास में डिस्क्राइब किया जाता है इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में k n अ uh, n को देरखा भाई

तो ये हमारा सबसे ज्यादा रियलिस्टिक मॉडल होता है ग्रोथ मॉडल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज द मोस्ट रियलिस्टिक वन राइट इसके ऊपर ही हम रिलाई करते हैं ऐसे ही हमारी असली में ग्रो grow, ग्रोथ हो रही होती है तो यहाँ पर ये हो गया आपका पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पहला आपका टॉपिक खत्म देखिए दूसरा आपका जो टॉपिक आता है जहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, दैट इज दॉपुलेशन इंटरक्शन

यही बेसिकली हम इकोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं तो पॉपुलेशन इंटरक्शन का मतलब ही एक दूसरे का भला चाहते हैं या फिर वो ऐसे होते हैं जो एक, एक होता है जो दूसरे का भला चाहता है वो दूसरा होता है जो मतलब उसका भला नहीं चाहता है राइट ऐसे है हमारे दोस्त भी होते हैं ना क्योंकि जो आप तो भला चाहते हो उनका लेकिन आपके दोस्त आपका भला नहीं चाहते वो नहीं चाहते कि आप पढ़ लो

उसको खा के अपना तो भला कर लिया पेट भर लिया अपना अपना तो भला हो गया लेकिन उसका क्या कर दिया नुकसान कर दिया क्योंकि उसकी तो लाइफ खत्म हो गई ना उसको तो मार दिया उसने पैरासिटिज्म क्या होता है पैरासिटम पैरासिटिज्म भी सही यही होता भाई, यह कर्व, है भाई ये कर्म थोड़ा गड़बड़ दे रखा है पैरासिटिज्म में क्या होता है कि यही होता है कि आप यू you नो know, जैसे जूं का एग्जांपल बहुत ज्यादा नॉर्मल है

जैसे चेयर के अगर ऊपर मैं बैठ जाऊ ठीक है मैं बहुत थकी हुई मैं चेयर पे बैठ जाती हूँ तो मेरा क्या होगा मेरा तो फायदा ही फायदा होगा मेरे को बहुत अच्छा फील होगा रिलैक्स फील होगा मैं आराम से बैठूंगी चेयर को क्या फील होगा चेयर को कुछ फील होगा होगा नहीं चेयर हो। को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैठ भी रहे हो तो भी वो वैसी है नहीं बैठे हो तो भी वो वैसी, वैसी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो जीरो उसको कोई मतलब नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कमेंसिलिज्म होता है ये ठीक है तो ये आपके पास में बेटा इंटरेक्शन यहाँ पर आती है ये इसके एग्जाम्पल्स है एक बार एग्जाम्पल्स भी अपन देख लेते हैं एक एक करके पढ़ लेते हैं सबसे पहले अपन बात करते हैं में predation की predation का मतलब होता है भक्षण करना मार के एक इंसान को खा मतलब इंसान या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को अगर अपन मार के खा जाए तो वो हो जाता है प्रिडेशन जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रिडेटर होते हैं शिकारी होते हैं कि भाई आज तो मैं राजा होते थे ना पहले के जमाने में जो आज तो मैं इसको शिकार बना के खा जाऊंगा ये मेरा शिकार है इसको मारेंगे और तुरंत उसका उसको अपना भोजन बना लेंगे राइट तो जो प्रेडेटर होता है शिकारी होता है एक तो वो होता है यहाँ पर और एक रोल प्ले कर रहा होता है पे प्रे प्रे मतलब जो शिकार है असली में शिकार है

कि अब जैसे जो लोग हरबीवर्स होते हैं या जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं लेट्स सपोज वेजिटेरियंस की बात करें तो वेजिटेरियंस क्या कर रहे हैं वो प्लांट को ही तो खा रहे हैं ना बेसिकली इसकी सब्जी खा ली उसकी सब्जी खा ली वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम प्लांट पर डिपेंडेंट है ये जो एनिमल्स होते हैं जो यू you नो know, जो हमारे वेजिटेरियंस हैं इन वेजिटेरियंस के ऊपर कौन डिपेंडेंट है

प्रेडेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल प्रेडेटर्स का काम है अगर बहुत सारे प्रे बढ़ गए हैं भाई शिकारी जो होते हैं उनका काम होता है शिकार को पकड़ना और मारना ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्मस जो तुम्हारे आसपास में बढ़ गए हैं जिनको तुम कंट्रोल करना चाहते हो मान लो तुम्हारे आसपास बहुत सारे कीट बढ़ गए हैं इंसेक्ट इंसेक्ट हो गए हैं तुम क्या करोगे उनको पकड़ पकड़ के छिड़कना तो तो चाहते हो तो क्या करोगे प्रिडेटर्स को छोड़ोगे प्रिडेटर्स क्या करेंगे इंसेक्ट को खा लेंगे, तो खाने से उनकी पॉपुलेशन कम कर देंगे तो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में करते वो ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना चले जाए तो हमारे एक हिसाब से देखा जाए तो प्रिडेटर अच्छा भी है

Uh, मछली के आता है आपके पास में राइट right? अगर आप एनसीआर तो ठीक है डिफेंस डेवलपमेंट बाई प्रे अगेंस्ट द प्रिटर्स प्रिडेटर्स जो है वो तो उनका काम है भाई शिकारी है शिकार को पकड़ के मार के खा जाएंगे तो जो हमारे प्रे है बेचारे शिकार हैं छोटे छोटे हैं सोचते हैं भाई हमें कोई तो बचा ले कोई तो बचा ले तो फिर ही कहते हैं भाई हमें कोई बचाने नहीं आएगा हमें खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी तो ये खुद की रक्षा कैसे करते हैं सबसे पहले अगर बात करें एनिमल्स की इंसेक्ट एंड फ्रॉग जो होते हैं हैं वो अपने अपने आप आप को को क्रिप्टी यू नो क्रिप्टो कलर में अपने कर लेते हैं। मतलब कि जो इंसेक्ट और फ्रॉग होते हैं वो अपने आप को बचाते हैं प्रिडेटर से कि कोई प्रिडेटर आए और उनको पहचान ही ना पाए तो कितना अच्छा हो जाएगा मतलब मान लो कि एक फ्रॉग है पत्ती पे बैठा है वो फ्रॉग अपना कलर पत्ती जैसा कर लेगा

ये खुद से नहीं करेगी हमें करवाना पड़ेगा कि बेटा हम इसको एक स्पेशल टाइप की वीड खिलाएंगे कब जब ये छोटी सी होगी बिल्कुल छोटी सी है ना कैटरपिलर स्टेज में होगी तब तो हम इसको वीड वीड खिलाएंगे और वो 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 पॉइजनस खिलाने की वजह से बड़ी जब बटरफ्लाई बनेगी तो वो जहर तो जहर उगलेगी अपनी रक्षा कर लेगी प्लांट प्लांट जो होते बेटा प्लांट में किस तरीके से अपनी रक्षा करते हैं प्लांट खुद कैसे रक्षा करते हैं एनिमल्स कैसे रक्षा कर सकते हैं प्लांट के पास क्या तरीका है प्लांट तो ऐसा भी नहीं कि अपने कलर को चेंज कर लिया या किसी के पास छुप गए या कोई पॉइजन से क्रिएट कर दिया ऐसा तो नहीं कर सकते तो प्लांट के अंदर कांटे होते ना

उस प्लांट को खाया है उसको बीमार कर देंगे उसके रिप्रोडक्शन की कम कर देंगे, उसका डायजेशन भी खराब कर देंगे उसका, करने से, और हो सकता उसको मार भी दे तो ऐसी चीजें भी यहाँ पर होती है प्लांट जो होता है वो बेटा एक कार्डियोसाइड

जो ग्रेजर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक चीज है तो वो नहीं आएंगे उसको खाने के लिए राइट तो कुछ इस तरीके से बेटा प्लांट जो होते हैं वो अपनी डिफेंस, डिफेंस कर सकते हैं ओके चलिए आगे बात करते हैं कंपटीशन कंपटीशन का मतलब होता है बेटा आप में दोनों में ही ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मैं तेरे को नुकसान पहुंचा रहा हूँ तू मेरे को नुकसान पहुंचा

कंपीट कर सकती हैं राइट right? तो सेम रिसोर्सेज के लिए हमारी स्पीशीज कंपीट कर सकती है जो अनरिलेटेड स्पीशीज होती है वो भी कंपीट कर सकती है अमेरिकन लेक होती है इसमें से इस एग्जांपल दे रखा है अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लैमिंगो एंड रेजिडेंट फिशेस हैव देयर कॉमन फूड जू प्लैंकटन देखो ये फ्लैमिंगो होते हैं ये अलग है स्पीशीज जो उस लेक में अमेरिकन लेक में रहने वाली रेजिडेंट फिशेस जो हमेशा से रहती आई हैं वो फिशेस अलग हैं तो फ्लैमिंग अलग है तो फिशेस अलग, अलग है दोनों की स्पीशीज अलग है स्पीशीज अलग होने के बाद में भी कॉमन एक चीज है जिसके लिए वो लड़ रही हैं दैट इज जू प्लैंकटन मतलब ऐसा जरूरी नहीं है की दो नो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी वही लड़ेंगी जैसे दो ह्यूमन ह्यूमन है वही लड़ेंगे जरूरी नहीं है

क्यों? विदिन अ डेकेड गायब हो गए दस uh, दस यू uh, नो you know, सालों में गायड गायब हो गए क्यों? आफ्टर गोड्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द island, ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एबिलिटी राइट

मान लो कि आपस में क्या कर रही है, कर रही है। तो मैंने उस चीज को हटा दिया उस स्पीसीज को हटा दिया जो बहुत ज्यादा सुपीरियर स्पीसीज थी बहुत ज्यादा सुपीरियर स्पीसीज थी जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेंस कर रही थी मैंने स्पीसीज को तुरंत हटा के

Uh, बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर सकते एक एक साथ में टाइम आएगा बेटा वो क्या करती है सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट करती है तो अवॉइड अवॉइडिशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट मतलब मान लो कि मैं कॉम्पिटिशन करना ही नहीं चाहती मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरी वजह से नुकसान पहुंचे तो मैं ऐसा भाई मेरे को भी वही चीज खानी है तेरे को भी वही चीज़ खानी है. कि मान लो मेरे मोहल्ले में एक आम का पेड़ लगा हुआ है मेरे मेरे को को भी आम खाने मेरे वाले को भी आम आम खाने खाने हैं मोहल्ले वाले तो मैं शाम को पांच बजे आम खाना चाहती हूँ और वो मोहल्ले वाले जो बंदा है वो भी पांच बजे आम खाना चाहता है तो अगर वो सेम ही टाइम पर आएगा और उतने से मान लो दो ही आम है वहाँ पर मैं उसके लिए झगड़ रही हूँ वो उसके लिए झगड़ रहा है तो इट्स बेटर ना कि आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि एक टाइम के लिए तुम कर लो एक टाइम के लिए वो कर लो ऐसा होता है ना कि जब आप अपने घर में मान लो नया कंप्यूटर नया कंप्यूटर लेके आए हैं नया नया कोई फोन लेके आए कोई कोई भी नई कोई चीज लेकर आए हैं जिसमें क्या होता है ना कि बचपन में ऐसा होता था कि हमको भी चलाने दो हमको भी टीवी चलाने दो रिमोट हमें भी दो ये टाइम मेरा है वो टाइम तुम्हारा है इस टाइम में देखूंगा उस टाइम में तुम, तुम टीवी देखोगे टाइम स्लॉट होते हैं तो एक टीवी के लिए अगर हम एक ही टाइम पे करेंगे मम्मी कह रही है सीरियल लगाओ और बच्चा बोल रहा है कि भाई मुझे कार्टून देखना है कोई बोल रहा है मुझे गाने सुनने तो एक टाइम पे तो सारी चीजें नहीं हो सकती ना तो एक काम करो टाइम स्लॉट्स कर तो, अगर कर लो तो तुम हो जाएगा, ही हट जाएगा तुम अपने में गाने से तुम अपने कर सकते यही काम करा हमारे पास पे मैक आर्थर मैक आर्थर ने शो किया क्लोजली कि रिलेटेड स्पीशीज आती हैं वार्बल्स हमारे पास में आती हैं वार्बलर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं सेम ट्री के ऊपर रहती हैं उस ट्री के ऊपर अपने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए वो को एग्जिस्टिंग को हटाती है ऐसा नहीं करती कि भाई तुम भी सेम टाइम पे आओ मैं भी सेम टाइम पे आता हूँ क्या करती है यहाँ पर अपना टाइमिंग डिफरेंस रखती है कॉम्पिटिशन बचता ही नहीं है बेटा पैरासिटिज्म का मतलब है की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म रह है जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है और खुद को फायदा पहुंचा रहा है जैसे कि मेरे बालों में जुए रह रही हैं तो बालों में जुए हैं तो जुए जुओं को क्या मिल रहा है जगह मिल रही है रहने के लिए खाना मिल रहा है मतलब मेरा ब्लड सक कर रही है और मेरे को क्या हो रहा है खुजली आ रही है नुकसान पहुंच रहा है राइट तो मेरे को नुकसान पहुंच रहा है और उसको फायदा पहुंच रहा है ये होता है पैरासिटिज्म लेकिन वो मुझे मार नहीं रही है प्रिडेटर में क्या होता है प्रिडेटर में भी सेम चीज होती है लेकिन प्रिडेटर में एक को फायदा और एक को नुकसान होता है और यहाँ पर भी एक को फायदा एक को नुकसान है लेकिन वहां पर क्या है दूसरे को मार दिया जाता है मार कर खत्म कर दिया जाता है मार्कर न्यूट्रिशन लिया जाता है यहाँ पर मार्कर न्यूट्रिशन नहीं लिया जा रहा है लिविंग बॉडी से ही न्यूट्रिशन लिया जा रहा है राइट डिफरेंस ये होता है तो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जो होता है इसमें क्या होता है पैरासिटिंग में फ्री लॉजिंग है।, तो है।, है अपना जीवन काट रही है बिल्कुल जब तक हम उस से, से थोड़ा सा कंगी करके निकालेंगे नहीं तब तो तक वो बैठी रहेंगी उनके लिए बिल्कुल फ्री का माल है वो सब कुछ ठीक है कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जैसे की कुछ है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहते हैं मुझे तो इसकी बॉडी पे ही रहना है

आप उस तरीके से एक अडैप्ट कर लो उस एनवायरनमेंट को राइट प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट कोई भी पैरासाइट होगा उसके पास में से क्वालिटीज क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक अच्छा पैरासाइट बन पाए तो उसके पास में उसके अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स हटे हुए होने चाहिए दूसरा

कि अगर वो तुम पर अटैक कर रहा है तुमसे न्यूट्रिशन ले रहा है तो अपना भाई रिप्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए उसे अपना नंबर बढ़ाएगा तभी तो राज करेगा तुम्हारी बॉडी पे, जो होते कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं आपने देखा होगा जैसे की अपन मलेरिया देखते हैं मलेरिया के अंदर क्या होता है जो तो प्लाज्मोडियम होता है उसके पास दो होस्ट होते हैं ठीक है तो ऐसे भी होते होते हैं हैं जिसके पास में कुछ दो होस्ट होते हैं। जैसे कि मलेरिया के प्लाज्मोडियम के अंदर एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है वो होस्ट होती है और एक मच्छर की बॉडी होती है वो होस्ट होती है तो दो होस्ट भी हो सकते हैं वो अपने पैरासाइटिशन की प्रोसेस को नॉर्मलाइज करने के लिए फैसिलेट करने के लिए काम करते हैं लीवर फ्लूक जो होता है लीवर फ्लूक

होस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है पैरासाइट हमेशा होस्ट को नुकसान ही पहुंचाएंगे सिंपल सी बात है वो होस्ट का सर्वाइवल कम कर देंगे उसकी ग्रोथ कम कर देंगे है ना रिप्रोडक्शन उसका कम कर देंगे ये उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर देंगे भाई उसको नुकसान पहुंचा रहे तो पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी कम होगी

वो अपने एग को किसमें ले करता है होस्ट के अंदर इंक्यूबेट करता है तो कोई बर्ड आएगा वो अपने एग को किसी की यू you नो know, प्लांट के अंदर या उस, उसके अंदर जो है वो जाके उस होस्ट के अंदर जाके रख देगा ताकि उसका एग सुरक्षित रहे ये एग जो होता है होस्ट इज वेरी सिमिलर विद ऑफ द द एग ऑफ द पैरासाइट है होस्ट नहीं है सॉरी ये जो पैरासाइट बर्ड का जो एग होता है वो होस्ट के एग के साथ में बिल्कुल सिमिलर होता है इसलिए होस्ट समझता है है लेट्स सपोज कि एक फूल है, उस फूल फूल उस उस के 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 अंदर 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 उसकी ओवरी के अंदर, या फिर उस फूल के अंदर, ये बर्ड बर्ड आया और बर्ड ने अपना एग ले जाकर यहां पर रख दिया ठीक है तो ये ओवरी बर्ड का एग और इस फूल के अंदर इसका खुद का एग दोनों क्या होते हैं सिमिलर होते हैं और सिमिलैरिटी की वजह से ये पहचान नहीं पाता कि कौन सा मेरा और कौन सा दूसरे का है

This is the interaction in which one species benefits the other one. मतलब एक स्पीसीज जो होती है वो खुद को तो मतलब उसको तो फायदा पहुंच रहा है लेकिन दूसरी वाली को ना तो फायदा पहुंचता है ना तो नुकसान पहुंचता है जैसे कि इसका एग्जांपल आता है ऑर्किड जो प्लांट होता है वो एक एपिफाइट की तरह बिहेव करता है एपिफाइट वो होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं तो ऑर्किड जो होता है वो एपिफाइट की तरह बिहेव करता है मैंगो ब्रांच के ऊपर आम के पेड़ के ऊपर वो ग्रो कर रहा होता है जिसमें आम के पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ऑर्किड को बहुत फर्क पड़ रहा है आम के पेड़ को ना तो फायदा है ना नुकसान है लेकिन ऑर्किड को बहुत फायदा है उसको वहां पर रहने को मिल रहा है क्लाउन फिशेस जो होती है बेटा वो क्या करती है वो दूसरे लिविंग अमोंट टेंटिकल्स ऑफ द सी एनीमोन सी एनीमोन जो होता है हमारे उनके टेंटिकल्स के बीच में क्लाउन फिशेस रहती है क्यों क्योंकि क्लाउन फिशेस को उससे सुरक्षा मिल रही है अब सी एनीमोन है ये सिलिनटरेटर राइट इनके पास टेंटिकल्स होते हैं जब शिकारी आएगा तो ये सी एनिमोन अपनी रक्षा करते हैं उन टेंटिकल से राइट तो ये अपनी रक्षा के साथ साथ इसकी रक्षा भी कर लेंगे तो क्लाउंड रहती है तो तो यहाँ को रह तो पर अपना फायदा करती है अपने आप को भी बचाती है शिकारी से राइट उसके बाद में जो बार्निकल्स होते हैं वो वेल के बैक पे रहते हैं पीठ के ऊपर रहते हैं तो बार्निकल्स वेल के पीठ के ऊपर रह रहे वेल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता को फर्क पड़ रहा है। चोटे -चोटे तो रहा है 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 वो वो छोटे-छोटे हैं तो के आराम से उनको स्थान मिल ठीक जो हमारे पास में होता कैटल ये इसका एग्जाम्पल है ये आपके एनसीआरटी में इतना कुछ गिवन नहीं है मेन एग्जाम्पल जो आपके एनसीआरटी में गिवन है आप कर सकते हैं म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा ये इंटरेक्शन हमारी ये होती है। इसमें। लाइकिन सबसे मशहूर एग्जाम्पल है माइक्रोराइजर सबसे मशहूर एग्जाम्पल है लाइकिन क्या होता है जिसके अंदर एलगी एंड पंचायत दोनों एक साथ आते हैं दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं पंचायत तो क्योंकि इंटरनेशनल पिक बन गए उसको तो खाना चाहिए तो एल्गी तो खाना दे देगी एल्गी तो खाना दे देगी लेकिन बदले में को क्या देगा फंजाए? फंजाए देगा उसको निवास स्थान रहने के निवासर साथ साथ में उसको कुछ आयंस देगा एब्जॉर्ब कर मिट्टी में से है ना तो काफी सारी चीजें उसको देगा तो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे को खुश करके रखते हैं कि भाई तू भी खुश मैं भी खुश हमारा परिवार खुश और हम बस खुश खुश राइट तो यहाँ पे माइक्रोबाट होता है बेटा कौन फंगल मेंबर

है ना मेरा कोई पॉलिनेशन कर दे और ये कहते हैं हम कर देंगे लेकिन हमको बदले में कुछ चाहिए तो कहते बताओ क्या चाहिए तो कहते हैं कि हम नेक्टर चाहिए, मकरन चाहिए अच्छी अच्छी खुशबू चाहिए तो ये कहते हैं है, हम दे देंगे अच्छी अच्छी खुशबू भी देंगे बस तुम हमारा पॉलीनेशन कर बदले में नेक्टर दूंगा हो गए खुश दोनों ठीक है एंड इट्स पॉलिनेटिंग एजेंट ट्री से बड़ा

इन द फिग फ्रूट है ना फिग के अंदर वैस्प जो होते है अपने को एग को लेकर बी पोलिनेटर होता है ऑर्चिड फ्लावर का ये है आपकी सेक्शुअल डिसीट वाला ठीक है तो ये इंसेक्ट जो है बेटा इसके पास में अट्रैक्ट होके आता है इसको लगता है मेरी फीमेल है लेकिन ये फीमेल नहीं होती ये फ्लावर का पेटल होता है ठीक है तो ये सूडो कॉप्युलेटर यहाँ पर होता है

ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आपको पसंद आई होगी आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कल भी मिलते हैं अपन बजे आज तो फिर भी हमारी थोड़ा लेट हो गई थी क्लास पांच बजे हुई थी कल चार बजे ही होगी कल अपन दूसरा चैप्टर कर रहे होंगे इको है ना इकोलॉजी खत्म करके फिर अपन बायोटेक्नोलॉजी करेंगे ठीक है बाय टेक केयर लव यू ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बाय